इसका तो हो गया तो हाँ, ये बहुत जरूरी कुंडली है। जी भारतवर्ष में तो सारे प्रश्न इसी से संबंधित होते हैं। जितने भी कोई जी भी बच्चा पैदा हो गया, सबसे पहले यही कुंडली खोलना पड़ता है। पढ़ाई किसमें करनी है बिल्कुल 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 ना? तो अभी ये जैसा चतुर्विंशांश चार्ट है, तो जी इस चार्ट से हम पढ़ाई, मास्टर्स, बैचलर्स, पीएचडी वगैरह ये सब देख सकते हैं। खैर, इस पे ज्यादा मुझे शास्त्रों में इसका ये मिला नहीं है कि पीएचडी किस घर से देखते हैं, मास्टर्स कैसे जी देखते हैं, क्योंकि पहले के जमाने में तो गुरुकुल में सब सिखा देते थे ना, पूरा पोस्ट डॉक्टरेट जी गुरुकुल में ही हो जाता था पहले। लेकिन आजकल बिल्कुल तो बिल्कुल 40-50 तक पोस्ट डॉक्टरेट करते रहते लोग, थोड़ा थोड़ा करके। जी तो मेरा जो अनुभव है मैं यहाँ शेयर करूंगा, और आप लोग भी जो भी देख रहे हैं नीचे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि क्या है। तो अभी हम सबसे पहले लग्न देखेंगे। तो लग्न खाली है इनका, जी तो लग्न जब खाली होता है तो मैंने देखा है कि इनको किसी कोई स्पेसिफिक चीज में उतना ज्यादा रुझान नहीं होता है। ओके मतलब इनको पूछेंगे ना, भाई क्या पढ़ेगा, साइंस लेगा, कॉमर्स लेगा, इंजीनियरिंग लेगा, बोलेगा चलेगा जो भी ठीक है चलेगा, मुझे कोई प्रेफरेंस नहीं है मेरा। जी इसके बाद लग्नेश जहाँ बैठा है ना, वो बताएगा कि उसमें पढ़ाई करने की जो इच्छा है वो कैसा है, कितना तीव्र इच्छा है इसको पढ़ाई करने की, ओके और किन लोगों के साथ वो पढ़ाई ज्यादा अच्छे से कर सकता है। जैसे अच्छा यहाँ लग्नेश 11वें घर में बैठा है, जो लाभ भाव बहुत बढ़िया है, लेकिन 11वां घर जो दोस्तों का भी घर है, तो ये आदमी के माता पिता आपके पास आएंगे कि ये मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, इसको कैसे पढ़ाए? तो बोलेगा इसको दोस्तों के जी साथ मिलके पढ़ाए, तभी पढ़ेगा, ओके अकेले पढ़ने वाला है नहीं। जी ठीक है। उसके बाद अभी ये मंगल इसका देखिए, पांचवा घर जो है ना, पांचवा घर ये बताएगा कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, कैसी चीजें आपको पसंद आती है। हाँ, अच्छा ओके तो इसको क्या था, जैसे मंगल जो है वो स्ट्रिक्टनेस का कारक है, डिसिप्लिन का कारक है। तो अगर इसको, इसके लिए कोई, मान लीजिए आप ये आदमी के पिता है और आपको कोई टीचर लाना है, ट्यूशन देना है तो इसको, तो जी ट्यूशन सर या ट्यूशन वाली जो मैडम है उनको आप क्या बोलेंगे? तो ये पांचवा घर जो जी बताता है ना, वो बहुत जरूरी है। तो अच्छा सबसे पहले हमको वो राशि देखना, तो यहाँ मिथुन राशि है। मिथुन राशि का एक ट्रेट है, उनको अंग्रेजी में ये बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। जी इसका अर्थ ये है कि उनको दुनिया के हर एक चीज का थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, लेकिन किसी भी चीज का उनको बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं है। ठीक है। तो जी इसीलिए इनके लिए बहुत जरूरी है कि वो जिनसे भी पढ़ाई करे या स्कूल में जाए या किसी से भी साथ में जब वो पढ़ाई करे, थोड़ी बहुत बातें होती रहे। अगर ऐसा है ना कि एकदम सब चुप होके एकदम पूरा सीरियस होके बैठ गए जी तो ऐसे कंडीशन में इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा पढ़ाई करना। जी और अभी हम ये भी देख सकते हैं कि माता पिता का कितना सहयोग रह सकता है इसके पढ़ाई में, ये हम वैसे भी जी देख सकते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि ये जो तीसरा घर जो है ना, तीसरा घर में आप देख सकते, इसका शुक्र बैठा है। जी तो शुक्र आपको पता ही क्या है, सारा फैंसी चीजों का कारक है। तो ये जो आदमी है ना, ये अभी तो खैर मेरे से भी बहुत बड़ा उम्र है, ज्यादा उम्र है इनका, लेकिन अभी जी भी जी जब जी साइन करेंगे ना, तो एकदम पूरा वो जो ना 5-10 हजार रुपए वाला कलम होगा उसी से साइन मारेंगे, वरना साइन नहीं करेंगे। जी जी इनको मतलब वो इम्पोर्टेड पार्कर पेन चाहिए होता है साइन करने के लिए ना। तो ये जब जी बचपन में पढ़ाई भी जी करते थे, इनका जो पेन होता था ना, ये सब चुरा लेते थे इनके पेन को, बोलते हैं कि ये मैं यहाँ वहां से अच्छा ऑर्डर देता था, फॉरेन से पेन लाते थे। उनके चाचा मामा कोई भी जाते थे, पूछते थे कि भाई तुमको क्या चाहिए, मुझे पेन चाहिए जी ना।
क्योंकि वो तीसरा अगर लिखने का होता है ना, ये कुंडली में चतुर्विंशाम में ये हाँ बताएगा कि आप लिखते टाइम क्या चीजें पसंद करते हैं। तो शुक्र है तो आपको बहुत ये जो कलम वगैरह जी है ये सब सारी चीजें बहुत पसंद आएंगी आपको। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि इनका जो शुक्र जो है वो 90वें घर का स्वामी है। हाँ आगे सुनाई दे रहा है जी आपको। हाँ जी हाँ तो ये वाली कुंडली में आप देखेंगे शुक्र जो है ये जो एक्वेरियस लगना है ये बड़ा पेचीदा हो जाता है कभी कभी, क्योंकि ये कुंडली में चतुर्थ और 9वें घर का जो स्वामी है वो एक ही हो जाता है। जी तो इसके वजह से क्या होगा ना कि मदर फादर दोनों, हाँ मदर फादर का ऐसा हो जाएगा मदर कि फादर दोनों हाँ तो ऐसा होता है इस आदमी के साथ कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इसके मदर ने एक चीज बोला है फादर ने एक चीज बोला है पढ़ाई के मामले। ये बोलता है मेरे जी मदर फादर हमेशा ही बोलते थे कि तुम दोनों साथ में बोलते थे कि तुमको यही करना है, और वो दोनों प्रेशराइज करते थे कि तुम ये करो वो करो ना इस टाइप का। लेकिन हम जी भाव देख के समझ सकते हैं कि इम्पैक्ट किसका ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे 9वां घर जो है वो खाली है, जी तो मतलब पिता का जो इन्फ्लुएंस है वो कम रहेगा, और जी जी चतुर्थ भाव जो दिख रहा है आपको ये माँ का घर है चतुर्थ भाव। जी यहाँ पे तो सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, बुध और जैसे कि जी जब सूर्य सूर्य नारायण बैठे हैं तो इतना जी आसान तो होगा नहीं वो घर। तो जी इसीलिए इनको स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट हाँ डिसिप्लिन देते हैं हाँ सूर्यदेव मतलब इनकी माँ जो है ना बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है इनके पढ़ाई वगैरह का। फादर जी उतने नहीं जी है, फादर उतने नहीं है, लेकिन मदर इनका बहुत जी स्ट्रिक्ट है। ये कहते हैं कि मेरे मदर बहुत स्ट्रिक्ट है, जी और ये बुध भी जी बैठा हुआ है वहां पे देख रहे हैं। जी तो इसके वजह से भी इनको जो है कि ये बुध जो पंचमेश है ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, जी तो जी जी इसीलिए ये हमेशा कहते थे मुझे कि जब भी इनका पढ़ाई डाउन होता था ना जी तो हमेशा इनकी मदर ही संभालती थी इनको आके, और इनके जी फादर इनको नहीं संभाल पाते थे, इनके दोस्त नहीं संभाल पाते थे, या इनके जो जी रिश्तेदार है भाई बहन कोई नहीं संभाल सकता था इनको पढ़ाई में। तो फाइनली जी में इनकी मदर आके इनको संभाले। जी इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि जो जुपिटर जो है गुरु जो है वो कुंडली में कहाँ है। जी राइट तो यहाँ पे गुरु जो है ना 12वें घर में है, जी जी और ऊपर से वो राहु के साथ चला गया, ऊपर से नीच का बैठा है। तो जी ये आदमी को तो हम ये कुंडली में हम हमेशा देखते हैं कि गुरु ज्यादा ताकतवर है कि बुध ज्यादा ताकतवर। जी अगर बुध ज्यादा ताकतवर है तो ये आदमी में क्या होगा ना, ये खुद ही पढ़ पढ़ के समझेगा। अच्छा हाँ और अगर मान लीजिए गुरु ज्यादा ताकतवर है तो ऐसा होगा कि इसको कोई एक गुरु आके बोलेगा ना तभी समझेगा ये। जी जी और प्रेफरेंस भी वैसी होती है आदमी। तो जी जी यहाँ पे देखिए बुध जो है वो केंद्र में है, चतुर्थ भाव में है, उसके मित्र राशि में, वृषभ राशि मित्र राशि है उसकी वहां पर। तो जी ये हमेशा ही बोलता है कि मुझे किताब विताब दे दो मैं खुद ही पढ़ लूंगा, मुझे ट्यूशन वगैरह की जरूरत नहीं है, मैं जो है मैं अपने से करूंगा, हाँ अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं जाऊंगा किसी के पास। जी और रहा सवाल गुरु का, तो गुरु जो है वो राहु केतु के साथ बैठा है, जी चंद्रमा के साथ भी है, लेकिन चंद्रमा का भी वो उतना अच्छा स्थान नहीं है का मकर जी राशि, जी उल्टा मतलब जी अपने क्षेत्र से उल्टे में बैठा है। राहु उल्टा के तो बहुत बढ़िया स्थान है वो मकर राशि। तो जी इसको ना वो जो ऑनलाइन कोर्सेज है ना उसमें बहुत मजा आता है इसको, तो अच्छा गुरु पसंद है, लेकिन जी वो ई लर्निंग ऑनलाइन जो गुरु है ना इनको वो इसको बोलेगा ना ये इधर सामने कुछ
तेरे सर आया जाके पाँव छू किया इसको, ये नहीं जाएगा चुनी। और इसको जब नौकरी मिला उसके बाद इसने जितने भी जिन जिन लोगों से इसने ट्यूशन लिया था ना पहले ऑनलाइन सीखा था जिनसे, उन सबको भारी भरकम वो डोनेशन देके आया है एकदम। अच्छा बहुत अच्छा अच्छा। और इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि जो ग्रह इनकी कुंडली में ताकतवर है उन चीजों का रुझान होगा इसके लिए। तो जैसा अच्छा। सूर्य जो है और बुध जो है ये ताकतवर है, शनि भी ताकतवर है, तो इनको सूर्य शनि मतलब लॉ में इंटरेस्ट है बहुत। अच्छा हाँ। और अगर सूर्य बुध हो गया तो मान लीजिए कि ये आदमी मान लीजिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आपके पास आते हैं और बोलते कि ये इलेक्शन जीता है अब इसको मिनिस्ट्री देना है, कौन सा मिनिस्ट्री दिया जाए? तो मिनिस्ट्री तो उसी का देना चाहिए ना जिसका नॉलेज या जिसका इंटरेस्ट ज्यादा हो। जी। है कि किसी का राहुल लगन है उसको आप कल्चर का मिनिस्ट्री दे दो, ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा। जी। और किसी का गुरु लगन में उसको आप इनोवेशन मिनिस्ट्री थोड़ी देंगे संभालने के लिए। सही बात है। तो इसको आप बोल सकते कि लॉ मिनिस्ट्री दे दो या फाइनेंस मिनिस्ट्री दे सकते हैं। सन जो सूर्य बुध वो ये क्या मरकरी हाँ बुध आदित्य योग है इसके कुंडली में योग है। हाँ जी, जी। हाँ तो इसके वजह से हम वो बता सकते हैं कि आप ऐसी चीजें दे सकते। और लेकिन नहीं तो इनका भावजी जी एक चीज पूछना चाहता हूँ कि इनका एजुकेशन फिर किस लाइन में, क्योंकि देखिए इनका मंगल और शनि का भी म्यूचुअल एस्पेक्ट इस कुंडली में बन रहा है जो कि इंजीनियरिंग से जोड़ता है। हाँ इन्होंने इंजीनियरिंग तो, किया उसके बाद एमबीए किया, ये सूर्य और बुध जो है ना साथ में। अच्छा। और एमबीए भी किया इन्होंने फाइनेंस में, एमबीए किया है फाइनेंस में। बुध बहुत डोमिनेंट हो गया मतलब जी। हाँ वो चौथे घर में बैठा है ना, और बुध जब बैठता है तो क्योंकि वो दसवें घर का कारक है ना, तो वो जहाँ बैठेगा उन चीजों से संबंधित वो आपके व्यवसाय में कुछ ना कुछ तो लेके आएगा 100%। सही बात है। और अभी इसमें आप वैसे भी देख सकते हैं कि जैसा ये आप देख सकते हैं कि पांचवा घर को मैं इन जनरल ऐसे लेता हूँ कि दूसरा घर जो है जी, दूसरा घर ये उसके जो नर्सरी एजुकेशन वगैरह हो गया ना उस टाइप का होता है, ऐसा मैं लेता हूँ। हालांकि उसकी ज्यादा आवश्यकता पड़ती नहीं जी। पांचवा घर में लेता हूँ बैचलर्स के लिए इनका। बैचलर्स जी जी। हाँ पांचवा घर में लेता हूँ बैचलर्स के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनका पांचवा घर में मंगल है, शनि मंगल का वो है, तो इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया अपना बैचलर्स। बिल्कुल परफेक्ट जी जी जी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया। और इसके बाद इनका जो नवा घर है ना, नवा घर जी वो मैं मास्टर डिग्री के लिए जनरली लेता हूँ, देखता हूँ कि मास्टर डिग्री के लिए कैसा है वो। तो आपने पांचवा जी पांचवा घर जो है इनका, ये इनका जो पंचमेश है ये आपको जी ठीक है, और इनका जो नवमेश है वो शुक्र हो गया। शुक्र हो गया। तो अभी हम ये देख सकते हैं कि पंचमेश और नवमेश का कोई संबंध है क्या जी, और अगर नहीं है तो वो आदमी ने जिस लाइन में बैचलर्स किया ना वो लाइन को छोड़ के किसी अलग लाइन में करेगा वो मास्टर्स। अच्छा ओके। तो अभी यहाँ पे देखिए बुध शुक्र के राशि में बैठा है, लेकिन शुक्र बैठा है बुध के राशि में नहीं बैठा है। हाँ, वो नहीं बैठा है, बुध शुक्र के राशि में तो बैठा है जी। हाँ तो सीधी तौर पे कहा जाए तो कोई ऐसा संबंध है नहीं, एक दूसरे के साथ भी नहीं है, दृष्टि भी नहीं देख रहा है, परिवर्तन भी नहीं है ठीक है जी, जी, जी। और सूक्ष्म परिवर्तन भी नहीं है यहाँ पे कि एक ग्रह एक के साइन में बैठे लेकिन दूसरा उसके राशि को देखे, वो वैसा भी नहीं है क्योंकि शुक्र जो है तुला जो अपनी ही राशि उसको देख रहा है
जी हाँ, अगर शुक्र अगर मिथुन राशि या जैसे कन्या राशि पे दृष्टि डालता, मान लीजिए शुक्र दूसरे पे जी हो जाता, तो ये सूक्ष्म परिवर्तन हो जाता। हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि शुक्र बुध की राशि को देख रहा है और बुध शुक्र की राशि में, तो इसीलिए इन्होंने जी भले ही बैचलर्स किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे, उसके जी बाद इन्होंने लेकिन लाइन चेंज कर दिया, इन्होंने मास्टर्स में ये दूसरे लाइन में चले गए, इन्होंने सेम लाइन नहीं लिया। और मैंने देखा है जब भी पंचमेश नवमेश साथ में होता है ना, इनको एमटेक वगैरह करने में बहुत इंटरेस्ट होता है। जी तो एमबीए जैसा आपने बताया, ये एमबीए इन्हें फाइनेंस में किया क्या? हाँ, एमबीए इन्होंने फाइनेंस में किया है, और इनको ना बड़ा फाइनेंस, एक्चुअली फाइनेंस में बहुत सारे डोमेन इन्होंने बाहर से एमबीए किया है, अच्छा फॉरेन से एमबीए किया है इन्होंने, दूसरे यूरोप से एमबीए किया है। वो ओके जो कोर्स इन्होंने बताया था ना, थोड़ा थोड़ा एमबीए से रिलेटेड है, लेकिन हाँ वो कोर्स का नाम जहां तक मुझे याद है कुछ ऐसा था, मास्टर्स इन डेटा साइंस, एमबीए इन डेटा साइंस, उस टाइप का। तो अच्छा वो मतलब वो ऐसा है कि उसमें कंप्यूटर वगैरह का बहुत जरूरत होता है, लेकिन ऑफिशियल लेवल पे वो एमबीए है, तो थोड़ा पेचीदा है, उन्होंने एग्जैक्टली क्या किया है। ठीक है, मतलब सेक्टर सेक्टर स्पेसिफिक कुछ एमबीए की पढ़ाई है। हाँ, मतलब जैसा मेरा जैसा मास्टर डिग्री मैंने किया था, मेरा तो एमटेक जैसा था, जी। इनका भी थोड़ा वैसा है, लेकिन उसका नाम एमबीए है, तो हो सकता है ये एमबीए बुध हाँ और शुक्र का संबंध नहीं, इसीलिए वो एमबीए है, ऐसा हो सकता है। मतलब लेकिन उनका फाइनेंस की तरफ ज्यादा है, इंक्लाइन टुवर्ड्स फाइनेंस फाइनेंस जैसे। की हाँ तरफ जबरदस्त इंक्लिनेशन है, क्योंकि आप देखेंगे ना पूरा कुंडली में बुध ही एक ऐसा जी ग्रह है जो धन की राशि में बैठा है। जी केंद्र क्योंकि त्रिकोण संबंध बन रहा है बुध से। जी। देखिए सूर्य भी शत्रु राशि में बैठा है, जी। शुक्र भी शत्रु राशि में, शनि मंगल सही गुरु बात चंद्रमा सब सब। तो मतलब जी अगर तो शत्रु राशि में बैठने का मतलब क्या, अगर ये इन जगहों पे जाता ना, सही बात इसको काम पसंद नहीं आता। जी अगर हाँ इसको हाँ बोलते ना आईटी में चले जाओ, आईटी मतलब शुक्र का डोमेन है, वो कंप्यूटर है ना, तो इसको मजा नहीं आएगा उस डोमेन में, क्योंकि इसका जो शुक्र है ना वो शत्रु राशि में बैठा है, इसको लगेगा कि मैं क्यों आ गया ये लाइन में। जी। आप इसको बोलो टीचर बन जाओ, गुरु इसका नीच का है, बोलेगा क्यों टीचर बन गया। इसका शनि मंगल भी उतना ठीक नहीं है, तो आप बोलते कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते रहो, तब भी बोलता मैं क्यों कर रहा हूं तो इससे जी हम ये सर पता कर सकते हैं जो ग्रह आपका, क्योंकि राशि जो आपके ना अंदर वाला फीलिंग देगा आपको, आपको काम करते टाइम कैसा लग रहा है। तो ये कुंडली में जो भी ग्रह जी जो ग्रह अच्छी राशियों में बैठे हैं, उनके लिए अगर उच्च राशि में है या मूल त्रिकोण में या मित्र राशि में, तो उनसे संबंधित व्यवसाय आप कर सकते हैं। ये फिर से रिपीट कीजिए बाबू जी, ये वाली लाइन ये जो आपने बोला। मैंने कहा जैसा ये कुंडली में जी बुध ही एक अकेला ग्रह है जी 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 जो किसी ढंग की राशि में बैठा है, मतलब उसके लिए जो ढंग का है, क्योंकि वो मित्र राशि है उसके लिए। इसके जी जी अलावा जी सारे ग्रह आप देखिएगा या तो नीच का है या तो शत्रु राशि में जी बैठा है या तो जी ठीक है, या तो शनि जो है वो ठीक है, वो भी धनु राशि भी कोई मित्र राशि तो है नहीं उसका, न्यूट्रल है शनि और तो जी बुध का ताकत इसमें सबसे ज्यादा है। तो जी जी आप अगर हमें ये देखना है कि कौन से क्षेत्र में पढ़ाई करके हमको अंदर से ना वो खुशी मिलेगी, जी अगर हमको पूरा आगे का 50-60 साल उसी में काम करना है मान लीजिए जी 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 ना, तो हमको वो ग्रह लेना चाहिए जो सबसे बढ़िया राशि में बैठा है, कोई ग्रह उच्च का है अगर। जी हाँ, और इसमें जो बुध है ना, बुध तो हजार चीजें बताता है, बुध खाली एमबीए या फाइनेंस नहीं बताता, लेकिन ये जो वृषभ राशि है ना ये फाइनेंस बताता ओके जी है। हाँ राइट राइट हाँ अगर बुध ये मिथुन राशि में बैठता है तो ये जर्नलिज्म साइड चला जाता है।
तो ये मास कॉम वगैरह ऐसा कर लेता फिर। अच्छा। हाँ, लेकिन तब वो उससे भी बेटर होता, क्योंकि वो फिर 16-80 में चला जाता, वो तो उससे भी बढ़िया है। बिल्कुल जी, लेकिन फिर भी ये ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं। जी जी, और अभी इसमें भी देखिए आप, दशमेश जो है पंचम में बैठा है इसके। जी तो इसका मतलब ये है कि इसका जो बैचलर जो होगा ना, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसने किया जी जी, वो हमेशा ही इसके कैरियर में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, हमेशा रोल प्ले करेगा। जी जी जी, बिल्कुल सही बात जी। हो सकता है कि बाद में जाके ऐसे लोगों से कंसल्टिंग करे जो मैकेनिकल कंपनी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कंपनीज में डील कर रही है, हो सकता है ऐसे। बिल्कुल 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 जी, सही बात है एकदम। और मैंने हमेशा देखा है जब नवमेश और दशमेश का संबंध होता है ना, 9-10 का संबंध जब होता है, तो ऐसे में क्या देखा है मैंने कि इनका जो मास्टर्स या पीएचडी जिसमें करते ना, उसी जगह इनको नौकरी भी मिल जाती जी। है, इनका प्रोफेसर रेकमेंडेशन लिख देता है उस टाइप का जी जी। लेकिन यहाँ पे गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, और नवमेश शुक्र भी ठीक है, उतना कोई खास नहीं है। तो अगर ये अपने प्रोफेसर को बोलेगा कि आप कोई मेरे लिए रेकमेंडेशन देंगे, तो देगा, वो बहुत डाउटफुल है, मतलब मुझे तो नहीं लगता है देगा। जी जी जी। और मैंने ये भी देखा है कि अगर जैसे मंगल जैसे ग्रह, अगर इसके ना बहुत, जैसे मंगल उच्च का है या दिग्बल में बैठा है मान लीजिए, ऐसा कोई पोजिशन है ना ऐसे में, तो वो पढ़ाई के दौरान ना उसको, मतलब ये जो रटी रटाई चीजें ना, वो पसंद नहीं आता है मेमोराइज करना, उसको लॉजिकली समझाना पड़ता है। कि जैसा ना एलजेब्रा का कोई इक्वेशन होगा, तो आपको उसको समझाना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है जी, नहीं तो बात नहीं मानेगा आपका। हाँ, तो एनीवेज ये तो हो गया, इस पे कुछ बोलना है आपको? इसमें कुछ विशेष तो नहीं, आपने बहुत अच्छा है इसको एक्सप्लेन तो कर ही दिया है। इंजीनियरिंग वाली एक बात तो आपने एक्सप्लेन कर दी, और गुरु जो इनका 12th हाउस में चला गया, उसको मतलब चूंकि एजुकेशन का एक तरह से कारक है, तो इनका एजुकेशन किस स्तर का रहा, बस ये थोड़ा सा जानना चाहते हैं। क्योंकि हालांकि बुध तो अच्छा है, लेकिन गुरु जब कमजोर है, यानी ऐसी स्थिति जब पंचमेश चतुर्थांश, ये चतुर्विशांश कुंडली में पंचमेश तो अच्छा है, लेकिन गुरु जो कारक है हर कुंडली में, जो आप जितनी भी शुक्र है, बाकी वो भाव और बाकी कुंडली अच्छी है, तो इसको किस तरह से इंटरप्रेट। हाँ, जहां तक मैंने गुरु के बारे में इनको पूछा था, तो इनका कहना है कि जो टीचर्स और जो गुरु वगैरह रहे इनके स्कूल में, शिक्षक जी, जी, तो इन्होंने कभी भी इनके जीवन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई इनके जीवन में। इनका जो भी हमेशा ही रहा है सब सेल्फ ही रहा है, खुद ही किया है इन्होंने, ऐसा इनका कहना है। मुझे सच क्या है वो पता नहीं। जैसा लोग कहते हैं ना कभी कभी कि बहुत अच्छा तरक्की वाला है, तो बोलते हैं मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, ऐसा बोलते हैं लोग। जी, तो जी, ये आदमी को मैंने 100 साल में नहीं सुना है ऐसा बोलते। जी जी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत अहंकारी है और खुद को ही बड़ा मानता है, कभी नहीं है, बट ऐसा है कि उसका कर्मा ऐसा है कि ना गुरुओं से हमेशा दूर ही रहा है, वो नीच का है। असली बात वही है, क्योंकि गुरु राहु वाला जो कॉम्बिनेशन है, उसकी वजह से गुरुओं का कोई खास प्यार और उनका वो मतलब उनके पास नहीं रह पाए होंगे ज्यादा। जो लोग पास रहते हैं वो नाम लेते हैं गुरु का कि हमने गुरु से बहुत कुछ पाया। हाँ, मैं तो कहता हूँ ठीक ही है, क्योंकि ये वो 12वें घर में भी है ना, शायद ये खराब होता है उनके लिए उल्टा, ऐसा हो जी सकता। हाँ, सही बात है, पास जाने से तकलीफ बढ़ती। जी सही बात है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस सुने हैं, जैसे लोग बच्चे मुझे बोलते हैं कभी कि ये जो सर है इन्होंने 3 बार फेल करवाया मुझे, क्यों? क्योंकि मुझे पसंद नहीं।
क्या मतलब थे? मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं है उनका, लेकिन मेरा पूरा जिंदगी बर्बाद कर रखा है। तो सही बात है, सही ऐसे बात है। केसेस देखे हैं मैंने। तो मैं ऐसे केसेस में मैं बोलता हूँ कि भाई जितना तेरे से हो सका खुद कर ले, वर्स्ट केस में अगर जरूरत पड़े तो जा किसी के पास। जी, नहीं तो बहुत सही। आखिरी आखिरी के दो है ये, मैं निकाल देता हूँ फटाफट। जी, हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा, ये बहुत आपसे मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि आपका इतना अच्छा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है, तो हम सभी आपसे इस बारे में जरूर जानना चाहते हैं।